ये एक सप्लीमेंट एलार्जिनिन कैसे आपकी थकान, आपके स्टेमिना, एंड्योरेंस, आपके सांस फूलना, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, इनके अलावा और तमाम चीज़ों में आपको हेल्प कर सकती है। कैसे इसे लेना है, क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं, कैसे काम करती है, इन सभी के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से। तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में अंत तक, आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, टू प्लानिंग हेल्थ केयर, आगरा से। अब अगर हम बात करें एलार्जिनिन के फ़ायदों की, तो एलार्जिनिन के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं अपार्ट फ्रॉम क्लीनिंग योर आर्टरी। जैसा कि एलार्जिनिन एक अमीनो एसिड है और ये हेल्प करता है वैसो डायलिटेशन में, तो अगर किसी व्यक्ति को आर्टरीज में ब्लॉकेज हो रहा है, ब्लड का फ्लो अच्छा नहीं है, उसमें फ़ायदा होगा एलार्जिनिन के सप्लीमेंटेशन। ऐसा व्यक्ति जो जिम जा रहा है, जिसे एंड्योरेंस चाहिए, स्टेमिना चाहिए, तो उन्हें चाहिए वेट लिफ्टिंग के लिए मसल में पावर। मसल में पावर कहाँ से आएगी? मसल में पावर आती है जब ऑक्सीजन का फ्लो उस मसल के लिए अच्छा हो। तो उसके लिए ब्लड का फ्लो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो एलार्जिनिन काम करता है वैसो डायलिटेशन का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी सेरेब्रोवैस्कुलर डिजीज़ होती है, अर्थात जितनी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, जैसे हार्ट संबंधी समस्याएं, किसी को बीपी हाई रहने की समस्या है, इसमें बहुत फ़ायदेमंद है एलार्जिनिन एज अ सप्लीमेंट। अब अगर हम बात करें एलार्जिनिन के फ़ायदों के बारे में, चूँकि एलार्जिनिन एक अमीनो एसिड है, ये आपकी ब्लड वेसल्स को डायलेट करने का काम करता है, अर्थात इट एक्ट्स एज एन वैसो डायलेटर। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो रही है, हार्ट संबंधी को ट्रबल हो रहा है, कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू है, उसमें एलार्जिनिन एज अ सप्लीमेंट बहुत अच्छा काम करता है। किसी व्यक्ति को अगर कोगुलेशन से संबंधी कोई समस्या हो रही है, तो इट एक्ट्स एज एन एंटीकोगुलेंट ऑल्सो। किडनी संबंधी कोई समस्याएं हैं, उसमें बहुत अच्छे से काम करता है एलार्जिनिन। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीजेस हैं, उन्हें भी इसका सप्लीमेंटेशन फ़ायदा करेगा। ऐसे सभी लोग जिन्हें इनमें से कोई भी समस्या है, वो इस सप्लीमेंटेशन को ले सकते हैं। हाँ, क्या डोजेज वगैरह लेनी है, ये अपने फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद आप लें तो बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक के यूजेस और इफ़ेक्ट्स एलार्जिनिन के समझ आ रहे होंगे। आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सभी के बारे में विस्तार। एलार्जिनिन का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, जैसा आपको अभी हम बता रहे थे, कि ये एक अमीनो एसिड है जो कि काम करता है एज अ वैसो डायलेटर। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पैरों में स्वेलिंग रहती है, क्लॉडिकेशन की समस्या होती है, कई बार आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है क्योंकि उनका ब्लड फ्लो बॉडी में अच्छा नहीं है, उनके लिए एलार्जिनिन बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी मांसपेशियों को रिलैक्स करने में बहुत फ़ायदा करता है एलार्जिनिन। जैसा हमने कहा कि एलार्जिनिन एक अमीनो एसिड है और इसका काम होता है कन्वर्ट होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित होना। आप जब एलार्जिनिन कंज्यूम करते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कन्वर्ट होता है जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में, और उससे आपकी ब्लड वेसल्स को एक्सपैंड करता है, कहीं तो फैला देता है, जिससे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपको ब्लड के पंपिंग एक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको ऑक्सीजन, आपको न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए होता है आपकी मांसपेशियों को, तब ये वेसल्स को डायलेट करके उस ब्लड फ्लो को बढ़ा देता है, जिससे आप जब एक्सरसाइज करते हैं, आप अच्छा वेट उठा पाते हैं, आपकी बॉडी में स्टैमिना एंड्योरेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की जो नीड होती है ऑक्सीजन की, वो पूरी होने लगती है। और इसी के साथ साथ आपकी जो मसल्स की बिल्डिंग है, आपकी मसल्स के नए फाइबर्स को की ग्रो होने का जो रेट है, वो बढ़ जाता है। इससे ऐसे जो यंग लोग जो जिम जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी मसल्स बन जाएँ, उनमें स्टेमिना आ जाए, उन्हें भी एज अ सप्लीमेंट एलार्जिनिन का यूज़ करना चाहिए। कितना करना है, ये रिकमेंडेशन के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से ही करिएगा, तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद है, अन्यथा आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। लास्ट में बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में भी। फिलहाल के लिए ये हैं इसके फ़ायदे। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर अभी कोई कन्फ्यूजन है, तो हमें कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। ऐसे लोग जिन्हें थकान ज़्यादा रहती है, जिनकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स और ज़्यादा बनते हैं, उन्हें एलार्जिनिन को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एलार्जिनिन आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करता है, ऑक्सीडेशन को कम करता है, ये प्रोड्यूस करता है सुपर ऑक्साइड डिस्मेटेज और ग्लूटाथायोन को प्रोड्यूस करता है, जिससे आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स एलिमिनेट होते हैं। तो आप में से जिसको भी थकान है, इसका प्रयोग करिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लूटाथायोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, और हमने आपको पहले भी बताया है
कि एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करके आपकी थकान को दूर करने में कितना हेल्प करते हैं। एलर्जिनिन का यूज़ आपकी बॉडी में कैटलाइज करता है फ्री रेडिकल्स के एलिमिनेशन को, कैटलेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है, जो फूड का ब्रेकडाउन है, उसको फास्ट कर देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड के ब्रेकडाउन को फास्ट कर देता है, कैटलाइज करता है, जिससे वाटर और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं और आपकी बॉडी को ऑक्सीजन जो चाहिए होती है, जिसकी डिमांड है, वो पूरी होने लगती है। अब बात करते हैं कि एलर्जिनिन कैसे एक एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। तो एलर्जिनिन जो है ये कंबाइन करता है प्लाज्मोजन एक्टिवेटर के साथ में, जो कि कोगुलेशन के टाइम को प्रोलॉन्ग कर देता है। तो ऐसे लोग जिनको भी ब्लड क्लीयरेंस की ज़रूरत है या जिन्हें कोगुलेंट इश्यूज हैं, जिन्हें भी कोगुलेशन इश्यूज हैं, ये एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस लेना चाहिए। हाँ, हम फिर से यही कहेंगे कि क्या डोजेज होनी चाहिए वो अपने फिजिशियन से, अपने हार्ट स्पेशलिस्ट से पूछ कर ही सेट करें। ये नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, जिससे आपकी किडनी में हो रहा डैमेज रुक जाता है और आपकी किडनीज बच जाती। जब आप कंज्यूम करते हैं एलर्जिनिन को, तो जिन ऐसे लोग जिन्हें भी अक्यूट रेनल फाइब्रोसिस या फिलर की शिकायत होती है, उनके एंडोथेलियल सेल्स में जाकर ये हार्मफुल सब्सटेंसेस के सिंथेसिस को ब्लॉक करता है और आपको बचाता है अक्यूट रेनल फेलियर की समस्या। आई एम श्योर आप में से कई लोग जिन्हें ऐसी कोई समस्याएं हैं, उन्हें ये सप्लीमेंटेशन आपके डॉक्टर रेकमेंड भी करते होंगे। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ऐसे लोग जिन्हें भी रीनल हाइपरटेंशन है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल, जैसा हमने आपको पहले भी बताया, इट एक्ट्स एज अ वैसोडायलेटर। तो कहीं ना कहीं वेसल्स को डायलेट करने से जो रीनल प्रेशर होता है उसको भी रिड्यूस करता है और आपकी किडनीज में जो उसका साइड इफेक्ट हो सकता है उससे बचाता है। आई गेस यहाँ तक की बातें समझ आपको आ रही होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है एलर्जिनिन को लेकर या नसों, बोन और हड्डियों को लेकर, तो आप हमसे वन टू वन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिटेल्स पर आपको बस संपर्क करना है। ऐसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहता है, उन्हें एलर्जिनिन एज अ सप्लीमेंट लेना ही चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके LDL और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है। वहीं ऑन द कॉन्ट्रेरी HDL के लेवल को थोड़ा बढ़ाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा है वो नियंत्रण में करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ऐसे पेशेंट्स जिन्हें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट ट्रबल की शिकायत रहती है, जिन्हें हार्ट अटैक्स आ चुके हैं पहले, उनका BP लोअर करने में भी इससे काफ़ी हेल्प मिलती है और आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ अच्छी बनी रहती है। क्योंकि अमीनो एसिड्स आपकी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये वो प्रोटीन है जो आपकी बॉडी की बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। साथ में ये हेल्प करते हैं टी सेल्स के प्रोडक्शन में, जो कि आपके WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने में बहुत काम करती है, जिसके द्वारा आपकी बॉडी में हो रहा जो इन्फ्लामेशन है उसे कम करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसे लोग जिनकी बॉडी में अनायास ही सूजन बनी रहती है, दर्द रहता है, उन्हें भी ये सप्लीमेंटेशन का सेवन करना ही। ऐसे व्यक्ति जिन्हें पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ होती है, जिनकी आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिस वजह से वो रप्चर होने लगती हैं, समस्या को ठीक करने में बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है कहीं ना कहीं वो वैसो डायलेटेशन को इंक्रीज़ करता है, और जब वेसल्स डायलेट होती हैं तो वहाँ ब्लड का फ्लो बढ़ता है, आर्टरी को खुद का भी न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, जिससे जो आर्टरीज हैं उनकी हेल्थ बेटर होने लगती है। एक स्टडी में ये पाया गया कि ऐसे लोग जिन्हें एलर्जिनिन का सप्लीमेंट दिया गया, एक लंबे समय तक उनकी आर्टेरियल हेल्थ में 230% का इम्प्रूवमेंट देखा गया। तो ये प्रूफ करता है कि एलर्जिनिन कितना फ़ायदेमंद है आपकी आर्टेरियल समस्याओं में, या ऐसे लोग जिन्हें आर्टरी संबंधित इश्यूज रहते हैं उनकी हेल्प करने में। इसके साथ साथ एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है कि क्यों 25 से 50 साल तक के लोगों में साइटिका की समस्या ज़्यादा होती है, जानना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़्यादा देखिए, जिसका लिंक हमने ड्रॉप किया आइकन में खास आपके लिए। अब अगर हम बात करें कि एलर्जिनिन का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, एलर्जिनिन का जो 60% एब्जॉर्प्शन है वो डियोडेनम और जिजनम में होता है, या कहें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, पर ये होता है लगभग 60% तक, जो कि बहुत अच्छा रेट नहीं है। बाकी 40% जो सप्लीमेंटेशन है वो वेस्ट हो जाता है, वो एक्सीड आउट हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर से। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं इसका बेटर सप्लीमेंटेशन, तो ये होता है L-citrulline। अब
एल-आर्जिनिन और एल-सिट्रुलिन में क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इसके बारे में हम बात करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, फोर्थ वीडियो आने वाली हो। तो इसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी वो वीडियो पब्लिश हो आपको इसका नोटिफिकेशन तत्काल से मिल जाए। रही बात इसके साइड इफ़ेक्ट्स की, तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी नॉर्मल है और अगर वो सप्लीमेंटेशन ज़्यादा ले लेता है टाइट डोज से, तो उसका बीपी फॉल कर सकता है, काफ़ी लो हो सकता है, जो कि एक समस्या का कारण बन सकती है। या किसी व्यक्ति की अगर ओवरडोज हो जाए या ड्रग ओवरडोज की वजह से उसे डायरिया जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। या जैसा हमने आपको बताया कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है एल-आर्जिनिन, तो अगर ओवरडोज हो जाए तो उसकी वजह से उस व्यक्ति को ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि आपको डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सप्लीमेंटेशन नहीं लेना चाहिए। अब बात करें अगर सप्लीमेंटेशन की नेचुरली, कि कैसे आप अपने खाने में ही कुछ चीज़ें ऐड करके एल-आर्जिनिन को ले सकते हैं, तो पम्पकिन के अंदर 5.2 ग्राम्स पर 100 ग्राम ये सप्लीमेंटेशन होता है, एल-आर्जिनिन होता है। पीनट्स के अंदर 4.6 ग्राम्स की मात्रा होती है, सोयाबीन में यही मात्रा 5.8 ग्राम होती है। इसके अलावा आप चिकपीज या डेयरी प्रोडक्ट्स से भी एल-आर्जिनिन को प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको समझ आई होगी, और क्यों नहीं आए, क्योंकि आप यंग होंगे या आपको बीपी की समस्या या कोई भी आर्टरियल समस्याएं हो सकती हैं जिन्हें आप ठीक करना चाहते होंगे, और आप ही नहीं आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें थकान रहती होगी, हाई बीपी की शिकायत रहती होगी, बॉडी में थकान आलस बना रहता होगा, थोड़ा सा काम करने पर ही पसीना आता होगा, घबराहट होती होगी। तो उन तक भी इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे वो भी अपनी सेहत को अच्छा रख सके, हेल्दी रह सके। जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। इसके अलावा आप अपनी ब्लड वेसल्स जो ब्लॉक हो रही हैं उन्हें कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, जानने के लिए ये राइट वाला वीडियो देखिए, और साइटिका के लिए कैसे एक्सरसाइज करनी चाहिए ये लेफ्ट वाला वीडियो अभी देखिए।